इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर। सलोन जो आपको देता है स्टाइल। सोचिए अगर खाकी रंग वाले कुछ पुलिसकर्मी अपराधियों के साथ बंदूक ताने हथकड़ी पकड़े नजर आए तो आपको क्या लगेगा? यही ना कि कोई शातिर कुख्यात और आरोपी साथ में है, लेकिन उस आरोपी के साथ वही पुलिसकर्मी अगर चाय पकौड़ी का आनंद कानून के दर पर ही लेते नजर आए तो फिर इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए? अपराधियों को कोर्ट में पेशी पर लाने के दौरान भले ही मौके का फायदा उठाकर कितने भी अपराधी फरार क्यों ना हुए हों, लेकिन राजस्थान पुलिस शायद इन हादसों से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान पुलिस के इन जवानों ने खाकी के उस सम्मान की धज्जियां उड़ा दी जिनके हुनर से ट्रेनिंग इन जवानों ने की है। ये तस्वीरें देखिए, गुरुवार को अजमेर सेशन कोर्ट में पेशी के दौरान परिसर में पुलिसकर्मियों के साथ चाट पकौड़ी का मजा लिया जा रहा है, चाय कॉफी की चुस्कियां ली जा रही हैं, यानी कि पुलिस को केवल अपनी मौज मस्ती और पार्टी से मतलब है। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी अपराधी के साथ पुलिस पार्टी करती हुई नजर आई हो और उसकी किरकिरी ना हुई हो, लेकिन पुलिस है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती। दरअसल सेंट्रल जेल में कैदियों को टॉर्चर कर सुविधा देने के नाम पर उनके परिजनों से लाखों रुपए की वसूली करने वाले गिरोह के शातिरों ने गुरुवार को सेशन कोर्ट में पेशी के दौरान परिसर में पुलिसकर्मियों के साथ चाट पकौड़ी का मजा लिया। वहां मौजूद लोगों ने सार्वजनिक तौर पर मुलजिमों की ऐसी खातिरदारी की ये तस्वीरें देखी तो कोर्ट परिसर में मौजूद लोग अचंभित हो उठे। यही नहीं, कोर्ट परिसर में गुरुवार को पेशी के दौरान आरोपियों ने अपने परिजनों से बातचीत भी की और मोबाइल फोन का उपयोग भी किया। लेकिन साहब ठहरिए, ये सब यही नहीं रोका बल्कि उन्हें जेल से कोर्ट लाने वाले चालानी गार्ड जो ड्यूटी में तैनात हैं उन्हीं पुलिसकर्मियों ने बेपरवाही से अपने हथियार आरोपियों के पास रखकर नाश्ते की प्लेट हाथ में थामी हुई है। खैर, इन तस्वीरों को देखने के बाद अब आप ही सोचिए कि भला खाकी का खौफ अपराधियों में है कहाँ और अपराधियों में खाकी का खौफ आएगा कैसे?